यूपी के भदोही जिले से, जहां गोपीगंज थाना क्षेत्र के गांव गहरपुर में बुधवार को सुबह तेज धमाके के साथ विस्फोट हुआ है। विस्फोट के कारण घर की बाउंड्री की दीवार गिर गई है। आपको बता दें कि गहरपुर स्थित मस्जिद के चारों तरफ से शीशे टूटकर बिखर गए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने गांव पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया है, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। घटना के बारे में बताया है कि गांव के निवासी रमजान अंसारी पुत्र अकरम अंसारी वैवाहिक आयोजनों में पटाखा बनाने का कार्य करते हैं, जिसकी चपेट में आकर अकरम अंसारी जहां स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं उसके मकान की बाउंड्री वॉल पूरी तरह से गिर गई है। साथ ही घर के बगल में स्थित छोटी मस्जिद में लगे शीशे चकनाचूर होकर गिर गए हैं। वहीं पुलिस ने अकरम के भाई असलम को हिरासत में लेकर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। कि मुझे अभी सवेरे सूचना मिली है यहीं से, जो ये गांव वाले हैं उन्होंने बताया था कि सर हमारे यहाँ बड़ा तेज धमाका हुआ है, तो मैंने तुरंत इंस्पेक्टर गोपीगंज को भेजा कि हम मौके पर हम लोग आए हुए हैं, तो यहाँ तो काफ़ी सामान उन्होंने हटा दिया है और कुछ है जो पटाखे बनाने का सामान यहाँ मौजूद है। तो मुझे लगता है कि पटाखे बनाने की बारूद से विस्फोट हुआ है। इसमें अकरम और असलम दो भाई हैं, जिसमें अकरम के घायल होने की भी सूचना है और किसी तरह कोई कैजुअल्टी की सूचना नहीं है। आगे का विवेचना हम लोग कर रहे हैं, जैसा भी होगा आपको अवगत करा देंगे। मौके पर सर किस तरह का नुकसान हुआ है? मौके पर तो देख रहे हैं आप, किसी केवल बाउंड्री गिर गई है और ये जो बगल में मस्जिद है इसके शीशे टूट गए हैं, बाकी किसी के घायल होने और किसी का नहीं, केवल एक ही व्यक्ति का जो इसका मालिक है अकरम, उसी के घायल होने की सूचना है। सर क्या लग रहा है आपको, किस तरह का विस्फोटक था, क्योंकि देख रहे हैं कि बहुत अगल बगल काफी तेज आवाज हुई है? नहीं, आवाज हुई है केवल नॉर्मल जो पटाखे वाला है, क्योंकि पटाखे की सामग्री सब मिली है, तो मुझे लगता है कि ये पटाखे का ही जो बारूद है वो काफी मात्रा में पटाखे रहे होंगे, एक साथ फट गए होंगे, इस वजह से इतना तेज धमाका हुआ है। अवैध तरह के पटाखों का भी काम करता था इस तरह के? अब तो इसका हम जांच करेंगे, बुलाया मैंने अभी डीएम मैम से भी बताया है, किसी एसडीएम को भेज दीजिए तो पता चल जाएगा कि इसका लाइसेंस था या नहीं था, इसका अभी जांच कर रहे हैं हम लोग। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।